Yes, Vikram. Oh, shit. What happened? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जल्दी जल्दी से बाकी क्वेश्चंस का आप आंसर बताइए फटाफट। यस, गुड इवनिंग श्रुति। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिए। शिवम, गुड इवनिंग। बाकी आपको 2018-19 ठीक है ना, 20-21 सभी के ऑलरेडी क्या करा रखे, सॉल्यूशंस करा रखे। ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद में आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा, सब्जेक्टिव चलेगा प्रॉपर। कल दिन में आपका एक क्लास रहेगा, किसका? स्टील का। अब स्टील के एक क्लास रहेंगे, जो भी एस्टिमेशन का क्लास रहेगा वो 6 तारीख के बाद में रहेगा। बताइए स्टूडेंट्स फास्ट, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? 44 का ए, सब वर्क। एक सेकेंड जस्ट। 55 का बी, वेरी गुड। 55 का बी कितना है? 3-5%, बिल्कुल सही है। और भी स्टूडेंट सब आंसर दीजिए, क्या क्या आंसर आ रहे हैं हमारे। ए लार्ज वर्क प्रोजेक्टेड कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स और स्मॉल वर्क, उसको सब वर्क कह सकते हैं, ठीक है ना। सब वर्क हम लोग कह सकते हैं। यूनिट 2 से न्यूमेरिकल करा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल करा देंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, क्या क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। इसको हम लोग सब वर्क कह सकते हैं, ठीक है। वर्क का ही सब पार्ट होता है। इन ए डिटेल्ड एस्टीमेट द प्रोविजन ऑफ द कंटिजेंसीज, तो आपको सभी के पता होना चाहिए। कंटिजेंसीज में कितना होता है स्टूडेंट्स? 3-5% होता है हमारे पास। कितना होता है? 3-5% होता है, ठीक है ना। 3-5%। उसके बाद में आपको पता है टूल एंड प्लांट्स के लिए कितना होता है, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितना होता है, सेंटेज चार्ज या फिर जो डिपार्टमेंटल चार्ज होता है उसके लिए कितना होता है। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, पता रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीड, कितने से? 5% से अगर क्या कर जाता है स्टूडेंट्स, एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पे आंसर्स देखने हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, जल्दी से बताओ, जब अकॉर्डिंग टू आप मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो इसमें आता है स्टूडेंट्स लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। तो पहला आंसर आएगा, आप याद करिए जब हमने लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड पढ़ा था, कौन सा मेथड पढ़ा था हमने? लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड्स पढ़ा था। तो याद करो हमारे पास क्या था, पहले में क्या था? लेंथ था, ठीक है। दूसरे में क्या था हमारे पास? विड्थ था। तीसरे में हमारे पास क्या था? हाइट था। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखते थे? क्वांटिटी देखते थे। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे थे? क्वांटिटी देख रहे थे। तो इस तरीके से होता है लेंथ, विड्थ, हाइट। इस ऑर्डर में क्या होता है, सीक्वेंस का मेजरमेंट होता है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट होता है। 57 का बी गलत श्रुति, क्या आएगा हमारे पास? यह आंसर आता है लेंथ, विड्थ एंड हाइट आता है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ?
जल्दी से बताइए, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। द थिकनेस ऑफ डीपीजी नहीं है फ्रेंड्स, डीपीसी होता है। डीपीसी थिकनेस ऑफ डीपीसी इज यूजुअली, आपको सभी को पता है जो डीपीसी होता है उसका थिकनेस कितना लेकर के चलते हैं स्ट्रेंथ, जनरली 2.5 सेंटीमीटर लेकर के चलते हैं। कितना लेकर चलते हैं? 2.5 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। दो हाइट होती है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। एक तो थिकनेस है हमारे पास इसका, थिकनेस कितना हमारे पास, एक तो होता है 2.5 सेंटीमीटर और कितना होता है 4 सेंटीमीटर होता है। तो जनरली हम लोग कितना लेकर चलते हैं 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ, डीपीसी इज प्रोवाइड, ठीक है, डीपीसी इज प्रोवाइडेड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एट द प्लिंथ लेवल, ठीक है, एट द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है स्ट्रेंथ, व्हाई डीपीसी इज प्रोवाइड, डीपीसी हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से बताइए, डीपीसी हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? सर डीपीसी इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो मॉइस्चर रहता है ग्राउंड का, जो भी मॉइस्चर है वो कहां तक ना जाए, टॉप सरफेस तक ना जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी का यूज करते हैं, ठीक है स्ट्रेंथ। तो आपको ध्यान देना है। अब आप कोई भी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज यूज इन केस ऑफ डीपीसी। चलो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप वीडियो में बताइएगा, ठीक है, अभी बताइए नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ देखिए ध्यान से, द पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स एट प्लिंथ लेवल। अरे एक क्वेश्चन तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि डैम प्रूफ कोर्स किस पे प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रेंथ, ये प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा एक और क्वेश्चन आपने ध्यान देना स्ट्रेंथ, मेजरमेंट, इसका जो मेजरमेंट होता है ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, किसका जो मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर मीटर में। मेजरमेंट ऑफ डीपीसी किसमें होता है? स्क्वायर मीटर में होता है। थिकनेस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर। डीपीसी इज प्रोवाइड एट द प्लिंथ लेवल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है, तो टू मेक द बॉल स्ट्रॉन्ग, बॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। टू गिव ए बॉन्ड, गलत। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इन द वॉल, यस। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। M35 को ना यूज करते हैं, गलत, M35 नहीं होता है, M15 और M20 यूज होता है, वेरी नाइस। कितना होता है स्ट्रेंथ? M20 यूज होता है। M20 का रेशियो क्या होता है? 1:1.5:3 होता है। हम लोग M20 को यूज करते हैं जनरली किसमें, डीपीसी में। ये ध्यान देना है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और डीपीसी क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाई वी यूज, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइडिंग द डैम प्रूफ कोर्स एट प्लिंथ लेवल, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इन द वॉल्स। ये हमारे पास क्या है आंसर, वेरी गुड। चलिए यहां तक आप लोग ने क्या कर लिया, सब ने सही आंसर कर दिया है। चलिए धीरज और ओपी राय, मनोहर, श्रुति, शिवम, ठीक है ना, सब स्टूडेंट्स प्रॉपरली देखे चीजों को। नेक्स्ट बताओ स्टूडेंट्स, इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, बताओ क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए। इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एस्टिमेशन, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को हम लोग आउट टू आउट और इन टू इन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट टू आउट और इन टू इन मेथड। तो दो तीन पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इट इज, इसको हम लोग इट इज यूज इन पीडब्ल्यूडी, ठीक है ना, इट इज यूज इन पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो मेथड यूज किया जाता है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है ना। दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज आउट टू आउट और इन टू इन, इन टू इन। तो लॉन्ग वॉल जो होता है वो आउट टू आउट होता है, जो शॉर्ट वॉल होता है स्ट्रेंथ वो इन टू इन होता है। द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड, एंड हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ, एंड विड्थ ऑफ द वॉल, हाफ विड्थ ऑफ द वॉल ऑफ ईच साइड, 1/4 विड्थ ऑन द वॉल ऑन ईच साइड और नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या है स्ट्रेंथ, हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, मतलब दोनों साइड से हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो बात तो वही हो गया, हमारे पास विड्थ ऑफ वॉल, कौन क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, बताओ इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो हाफ वॉल, ठीक है, हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड आएगा। आपको याद है ना, हमको याद करिए, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था इसको, इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास एक रूम था,
इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स। अब जो सेंटर लाइन है आपको पता है सभी को, ये सेंटर लाइन होता है, दिस इज द सेंटर लाइन एंड दिस इज आल्सो द सेंटर लाइन, ठीक है। पर जब आप लॉन्ग वॉल का लेंथ लेते हैं तो ये तो हो गया हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ। और आपको पता है अगर ये W है तो ये कितना जगह लेंथ हमारे पास W बाई टू, और ये वाला भी कितना जगह हमारे पास W बाई टू। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पे आपको चार नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सभी स्ट्रेंथ अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास भी। तो आप लोग बोल रहे सेंटर टू सेंटर प्लस में W by 2 on each side, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा B option. Next question का आंसर बताओ स्टूडेंट, the plinth area of a building not include area of the wall at the floor level, यार करते हैं हम लोग इसको, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। क्यों? उन्होंने पूछा है not, किसको नहीं करते, area of the stair cover, area of the cantilever porch, porch होता है P-O-R-C-H होता है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आएगा C। ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए एकदम अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी आइटम गिव्स टोटल क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हो जाएगा था सेंटर लाइन इज वर्कड आउट सेपरेटली फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द, बिल्कुल सही है, सबके लिए अलग अलग किया जाता है। सेंटर लाइन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय द हाफ ऑफ द लेयर मेन जॉइनिंग पार्टीशन वॉल्स, ये सब सही है, तो इसका आंसर आएगा डी। द सेंटर लाइन मेथड स्पेशली अडॉप्ट फॉर ऑल टाइप्स, किसी के लिए हम लोग कर सकते हैं सर्कुलर हेक्सागोनल ऑक्टागोनल, किसी के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है 64 का, क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन आएगा, तो एक ही चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताओ डीएसआर स्टैंड्स फॉर क्या होता है स्टूडेंट्स, डीएसआर स्टैंड्स फॉर होता है डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड ऑफ रूल्स, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं रेट्स डिसाइड होते हैं, जो भी रेट्स होते हैं लेबर का रेट जो होता है हेड मेन हेड जो क्या कहते हैं हेड मेसन मेसन लेबर जितने भी हैं सभी के जो रेट्स डिसाइड होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग रेट्स क्या होते हैं डिसाइड होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट द वेट ऑफ पर मीटर इन केजी, बताइए क्या आएगा स्टूडेंट आंसर। हम लोगों ने बताया था वेट, तो आपने ध्यान देना है यहाँ पे वेट ऑफ स्टील बार, ठीक है, वेट ऑफ स्टील बार या जो रिइंफोर्समेंट है पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ। ये हम लोगों ने स्टील में भी अच्छे से पढ़ा है, बताओ क्या होता है डेंसिटी, क्या होता है बताओ स्ट्रेस डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील इज व्हाट, सर ये हो जाएगा 7850 केजी पर मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। और जो बार होता है वो कुछ इस तरीके का बार होता है स्टूडेंट, ध्यान देखिए इस तरीके का बार होता है, तो इसका मान लेते हैं ये कितना लेंथ है, ये एल लेंथ का है, ठीक है एल लेंथ है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है दिस इज द एरिया, तो ये हो जाएगा डायमीटर, दिस इज द डाया, इसको हम लोग फाई से डिनोटेड करते हैं। तो बताइए वेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ऑलरेडी हमको ये पता है फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं, वेट इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स यूनिट वेट मल्टीप्लाई में, बताओ क्या आएगा यूनिट वेट मल्टीप्लाई में क्या आएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ बार आएगा, वॉल्यूम ऑफ बार। तो ध्यान देखिए क्या आएगा यूनिट लेंथ कितना आएगा 7850 योगे स्टूडेंट्स केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई में, वॉल्यूम क्या है हमारे पास पाई बाय 4 मल्टीप्लाई में 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया एरिया, वॉल्यूम क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। अब लेंथ कितना बताओ, लेंथ जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो कितना है हमारे पास, हम लोग पर मीटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन में 162, ठीक है स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर अपॉन 162, और जो यूनिट आएगा स्टूडेंट्स वो केजी पर मीटर में आएगा, ध्यान देना क्या आएगा केजी पर मीटर में, और जो ये 5 है 5 इज प्रोवाइडेड इन एमएम, ये ध्यान देना आपने जो 5 आपको प्रोवाइड करना है वो किसमें प्रोवाइड करेंगे, हम लोग एमएम में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है 162, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किसमें आता है वो हमारे को केजी पर मीटर में आता है, कि भाई 1 मीटर लेंथ के लिए इतना हमारे पास क्या होता है इसका मास होता है। क्लियर पॉइंट हो गया, द वेट ऑफ बार पर मीटर इन केजी इज एक्सप्रेस्ड इन डायमीटर इन एमएम
का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस 162, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, इसका बी आंसर एकदम करेक्ट आएगा। यस 66 का क्या आंसर दिए हैं, 66 का आंसर है बी, वेरी गुड। अच्छा औरों ने भी आंसर देने कि सिर्फ एक ही बच्चा आंसर देता रहेगा, सभी आंसर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, सूरज पांडे, जितने भी वीडियो स्टूडेंट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर रखे हैं ऑलरेडी पहले से 18, 19, 20, अभी ये तीसरा वीडियो है, ठीक है ना, इन सभी को देख कर जाएगा, आपका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा, आराम से आप 20 में से, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई 20 में से 20 सॉल्व कर लीजिएगा, बल्कि 18 तक आप डेफिनेटली सॉल्व करिएगा। कोई बच्चा अगर 18 सॉल्व करता है तो उसका 600 से ज्यादा मार्क्स आता है, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान देखिए, द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग डिजाइनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट इज नोन एज द कंटिजेंसी चार्जेस, गलत, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कंटिजेंसी चार्जेस कितना परसेंट होता है, 3-5% होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आकस्मिक व्यय होता है, ठीक है, मतलब पता नहीं रहता इस खर्चे का। दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना होता है, 8% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, ये कॉटेज नहीं होता स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिपार्टमेंटल चार्जेस, ठीक है, डिपार्टमेंटल चार्जेस और सेंटेज बोलते हैं इसको, सेंटेज और सेंटेज ये चार्जेस बोलते हैं इसको। CENTA जी सेंटेज चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बताइए कितना परसेंट रहता है ये जो सेंटेज चार्जेस है, इसको सही कर लीजिए, सेंटेज चार्जेस होता है स्टूडेंट्स, बताओ कितना परसेंट होता है, जल्दी से कमेंट करो कितना परसेंट होता है हमारे पास, ये सभी याद रखने, कंटिजेंसी चार्जेस, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, टूल एंड प्लांट्स, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, सेंटेज चार्जेस, सभी याद रखने, कितना परसेंट होता है कमेंट करो फास्ट, कि सर ये जो हमारे पास सेंटेज चार्जेस होता है 10-15% होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 10-15% होता है, ध्यान देना, हाउ मच, 10-15% होता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। पिकअप द करेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में आप ध्यान दीजिए, इसका सारे ऑप्शंस क्या होंगे सही होंगे, पढ़ लीजिए एक बार बस, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेंटीजियस वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट टूल प्लांट इज कॉल्ड वर्क वैल्यू, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व टू कंप्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एस्टेब्लिशमेंट और ट्रेवलिंग चार्जेस इज कॉल्ड एक्चुअल चार्ज, द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग, इन सबका आंसर क्या आएगा, डी आंसर आएगा, ठीक है, 1.2%, किसका आंसर दिया 1.2%। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बेंड द बार्स एट सपोर्ट रेजिस्टर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, देखिए जो बेंड अप बार्स होते हैं ना, जैसे कोई बार है इस तरीके का, इसको बेंड कर दिया जाता है इस तरीके से, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है उसको रेजिस्ट करने में इसका क्या होता है, रोल होता है। दूसरा होता है बेंड अप बार्स एट सपोर्ट रेजिस्ट द शियर फोर्स, ऑब्वियसली है अगर ये सपोर्ट्स पे है तो वहां पे किसको रेजिस्ट करेगा, शियर फोर्स को करेगा, क्योंकि सपोर्ट्स पे क्या नहीं होता स्ट्रेंथ, बेंडिंग मूवमेंट तो होगा नहीं, बेंडिंग मूवमेंट तो एट सपोर्ट्स का होता है, जीरो होता है। कोई भी हम लोग देखते हैं ना, जैसे हमारे पास ये है, अगर इस तरीके का कोई भी हमारे पास बीम है तो बीम में ये क्या दे रखे हमारे को, जैसे इसका अगर हम लोग क्या बनाते हैं SFD बनाएंगे तो SFD कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, SFD इस तरीके का बनता है, और BMD डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, दिस इज द BMD डायग्राम, BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, और ये कौन सा स्टेंस, SFD डायग्राम, तो आप सभी को पता है, ठीक है, और ये हमारे पास होता है बेंट अप बार, दिस इज द बेंट अप बार, इस तरीके का होता है, तो बेंट अप बार नेगेटिव मूवमेंट को रेजिस्ट करने काम आता है, बेंट अप बार सपोर्ट स्पेस शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है, द बेंडिंग ऑफ बार नियरली सपोर्ट इज जनरली एट 45 डिग्री पे, जैसे ये जो हमने बेंड कर रखा है जनरली हम लोग 45 डिग्री पे इसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। चलो
अब बताइए स्टेंज द टोटल लेंथ ऑफ ए क्रैंक बार, जल्दी से बताइए। अब आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, इसको हमने बीबीएस में पढ़ा था, याद आ रहा आपको, बेंडिंग बार शेड्यूल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी इस तरीके का होता है तो कुछ इस तरीके का होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो लेंथ कितना इंक्रीज कर जाता है, वो जो लेंथ होता है इफेक्टिव लेंथ, वो एल प्लस कितना होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में 0.42 टाइम्स डी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब देखिए जो कारपेट एरिया, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड, कारपेट एरिया में आप किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, बताइए जल्दी से फास्ट, कारपेट एरिया में किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, द वॉल अलोंग विद डोर एंड अदर ओपनिंग्स, बाथरूम एंड, ये क्या हमारे पास है, एक सेकेंड, लेबोरेटरी, किचन एंड पेंट्री, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें बताऊं, देखिए ना बाथरूम को कंसीडर करते हैं ना किचन को करते हैं, अगर आप पहले ऑप्शन में कंफ्यूज भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और खुद से सोचो जो हमारे पास ओपनिंग्स होते हैं वहां पे हम लोग कारपेट क्यों बिछाएंगे, कारपेट एरिया का मतलब होता है लाइवेबल एरिया, जहां पे हम लोग रह सकते हैं उसे हम लोग होते हैं कारपेट एरिया। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये है हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट, 400 स्क्वायर मीटर सीमेंट कंक्रीट 1:1, यहाँ पे देखिए हमको रेशियो दिया स्टूडेंट्स 1:2, और ये हमारे को दे दिया स्टूडेंट्स 4, ध्यान देखिए। अब इन्होंने थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, बताइए इस केस में क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स सीमेंट का। देखिए दो चीजें होती है हमारे पास स्ट्रेंस, एक तो होता है हमारे पास सिंपल, अगर हमारे को यहाँ पे थिक फ्लोर नहीं दे रखा होता, सिर्फ कंक्रीट दे रखा होता तो उसमें हम लोग कितना परसेंट लेकर के चलते हैं, उसमें तो हम लोग 1.52 या 54% एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, एक सेकेंड, इसमें हम लोग 50% एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं, 50% 1.5 मल्टीप्लाई कितना जगह 100 होगा, अभी हमको याद, एक सेकेंड बस, जस्ट हमको एक चीज देखना है, उसमें हमको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखना है, तो बताइए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होता है, ये हमने कराया हुआ है ऑलरेडी, एनालिसिस ऑफ रेट में हम लोगों ने पढ़ा था सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, ठीक है ना। तो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर जो होता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग बता दे रहे हैं आपको, इसमें हमारे पास रहता है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में, अगर हम लोग जैसे 2.5 सेंटीमीटर फ्लोर, इन्होंने कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर फ्लोर, 100 स्क्वायर मीटर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको एक चीज पता करना पड़ेगा, इसमें हम लोग आपको यहां पे बता देते हैं, देखिए ध्यान से, ओके इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, ध्यान देना है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर थिक। अब देखिए जो भी थिकनेस हो, 4 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का, व्हाटएवर जो भी थिकनेस गिवन कर रखा हो, ठीक, और हमको रेशियो कितना गिवन कर रखा है, 1:2:4, ठीक है, हमको जो गिवन कर रखा है स्टूडेंट्स थिक, और ये हो जाएगा 1:2:4, ठीक है, फ्लोर 100 ये जाएगा मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल ड्राई, मेन पॉइंट क्या हमारे पास, टोटल ड्राई, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट,
ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने देखना है. टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट इज हाउ मच, पॉइंट इज दिस स्टूडेंट, ध्यान देखिएगा. इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए जब भी आपको वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई में थिकनेस. पहले तो ये देखिए आप, एरिया मल्टीप्लाई में थिकनेस. तो आपको थिकनेस कितना लिखा है सर, थिकनेस है 4 सेंटीमीटर, एरिया है 100 मीटर स्क्वायर. तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.4 मल्टीप्लाई में 100 मीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा स्ट्रेंथ 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब हो जाएगा. ये तो हो गया वॉल्यूम भाई, इतना तो हमको क्या चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए हमें किसका, कॉन्क्रीट का, जो कैसा है वेट जो हमारे पास है. ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए क्या लिखने वाले हैं, हम लोग इसमें लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाई में 0.04 मल्टीप्लाई में, सॉरी एड 10%. ठीक है स्टूडेंट्स, 10% ये होता है फॉर अनइवननेस, जो एरिया कैसा अनइवननेस, प्लस में 50% ये होता है इंक्रीज फॉर ड्राई वॉल्यूम, 50% फॉर इंक्रीज ड्राई वॉल्यूम, ये हमने ध्यान देना है. अच्छा, कोई भी हो हमारे पास, ध्यान देना, जैसे यहां पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर दे सकता है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर दे सकता है, कुछ भी अगर आपको दे रखा है, कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यही कंसेप्ट रहेगा. कंसेप्ट हमारे पास क्या नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला है. इस पॉइंट को हमें क्या रखना है, ध्यान देना है. तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास. अब हम लोग जल्दी से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, देखिए कैसे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू कितना हमारे पास, 4%, मतलब 4 मीटर क्यूब हो गया. अब बताओ 10% कितना होगा 4 का, 10% सर ये हो जाएगा 0.4. अब बताओ 50% कितना होगा किसका, 4 का 50%. अच्छा एक मिनट, 50% जो हमने लेना है वो हमने लेना है इन दोनों का एड करके, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 2.2 होगा. तो टोटल कितना बन जा रहा है, मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब. तो सर ये हो गया हमारे पास 4 प्लस में 0.4 प्लस में 2.2, सर ये हो जाएगा टोटल 6.6, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब. तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम, ठीक है ना, ड्राई वॉल्यूम ऑफ ऑफ कॉन्क्रीट. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6.6 मीटर क्यूब. तो बताइए, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज व्हाट, बताइए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारे पास क्या है कि सर, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होता है 1:2:4 में 1 पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइड में टोटल 1 + 2 + 4 मल्टीप्लाई में कितना है स्टूडेंट्स, टोटल है 6.6 मीटर क्यूब. तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/7 मल्टीप्लाई में 6.6 मीटर क्यूब डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके आप आंसर पता कर सकते हैं कितना वैल्यू आएगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है 0.94 क्यूबिक मीटर. और अगर आपको नंबर ऑफ बैग्स पता करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स पता करने हैं तो आप पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते, बिल्कुल पता कर सकते हैं. 0.94 डिवाइड में 0.035 ये मीटर क्यूब है, दिस इज आल्सो मीटर क्यूब. नंबर ऑफ बैग्स जो आएंगे 28 पॉइंट कितना आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2 बैग्स के इक्विवेलेंट आता है. देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत नाइस क्वेश्चन था. इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा. ये सभी का आंसर समझ में आ गया यहाँ पे. तो फ्लोर कॉन्क्रीट 2.2, देखिए ध्यान से, 2.2 जो हमने लिया है वो हमने लिया है 50%, समझ गए, ओके. चलिए तो ये हमारे पास जो थिकनेस हो सकता है, प्लीज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, जो थिकनेस कौन कौन सी है, फ्लोर थिकनेस, ध्यान दीजिएगा, फ्लोर थिकनेस कौन कौन सा लिया जा रहा है यहाँ पे. तो जो फ्लोर थिकनेस है हमारे पास, फ्लोर थिकनेस ये हमारे पास स्टेंस 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. और आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है स्टेंस, तो ये हमारे को देखा है पेज नंबर 502 बीएल दत्ता. स्टेंस वहां पे और अच्छे से आप समझ सकते हैं. तो यहां पे इस पॉइंट को आपने याद रखना है, फ्लोर के केस में 10% किसके ले रहे हैं, 4 अनइवन के लिए ले रहे हैं, और 50% इन दोनों का लेकर चलेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का, उसको क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 50% हम लोग लेकर के चलते हैं.
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से, बेफिक्र होकर के। चलिए ये जितने भी है ना ऑल ऑफ दीज वाले, इन सब आप पढ़ लीजिए, ये सारे क्या आएंगे ऑल ऑफ दीज में, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा हमारे पास आंसर क्या था स्टूडेंट्स इसका, इसका आंसर था हमारे पास 0.94, ठीक है। हमारा आंसर आया था 0.94 सेंटीमीटर है ना, वो तो नहीं देखा है, तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे सी ऑप्शन को। कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन ही आंसर को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अच्छा सॉरी एक मिनट, 0.90 ये ऑप्शन जो है ना गलत टाइप कर दिया, एक सेकेंड। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया है यहां पे ध्यान देखिएगा, दिस ऑप्शन इज 0.90 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन है 0.94 मीटर क्यूब, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा स्टूडेंट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा 0.94। ये यहां पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास फोर्थ यूनिट दे रखा है उसके एक टॉपिक है द जंक्शंस ऑन वेज ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज बेस्ड, तो एंड सेक्शन ऑफ पैनल कोई दिक्कत नहीं है, पैनल प्लेन्स द मिड एरिया ऑफ द पिरामिड इज हाफ ऑफ द एवरेज एरिया ऑफ द एंड्स द वॉल्यूम, इन सब का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, हाई में दे रखा है स्टूडेंट्स हमारे को, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस प्रिज्मोइडल मेथड होता है और ट्रेपेजॉइडल मेथड होता है, मिड सेक्शन फॉर्मूलाज होते हैं, तो इनमें डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये तो सब सिंपल है। ये फॉर्मूला था करेक्ट प्रिज मॉडल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, क्या होता है याद करो, प्रिज मॉडल फॉर्मूला वही होता है हमारे पास, सिम्पसन्स वन थर्ड फॉर्मूला जो हम लोग एरिया में पढ़ते हैं वही हमारे पास प्रिज मॉडल फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डी बाई थ्री करना पड़ेगा, ये टाइपिंग में नहीं आया, ठीक है, डी इस तरीके से डी बाई थ्री मल्टीप्लाई में फर्स्ट एरिया प्लस में लास्ट एरिया मल्टीप्लाई में टू टाइम्स ऑफ इवन प्लस में फोर टाइम्स ऑफ ऑड, एक सेकेंड इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद ये गड़बड़ है। फोर में होता है स्टूडेंट्स इवन और टू में होता है ऑड, ठीक है, फोर के साथ होता है इवन, टू के साथ होता है ऑड, तो डी बाई थ्री, तो यहां पे डी बाई थ्री, तो इसका बी आंसर क्या जाएगा सही हो जाएगा, डी बाई थ्री इन ब्रैकेट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस में फोर टाइम्स ऑफ इवन एरियाज प्लस में टू टाइम्स ऑफ द ऑड एरियाज, इन केस ऑफ द लीड एंड लिफ्ट व्हिच वन इज करेक्ट। अब बताओ स्टूडेंट्स लीड क्या होता है, लीड इज द वर्टिकल मूवमेंट, गलत, जो लीड होता है स्टूडेंट्स वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, लिफ्ट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, गलत, जो लिफ्ट होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स वर्टिकल मूवमेंट होता है, लीड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है, लीड होता क्या स्टूडेंट्स, लीड इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोर ऑफ पिट टू क्या होता है एक्सकावेशन होता है, ठीक है, बोर ऑफ पिट टू एक्सकावेशन होता है, ठीक, बोर ऑफ पिट टू एक्सकावेशन होता है, ठीक है ये ध्यान दे रहा हमने, लीड और बोरोपेट, जैसे हम लोगों ने यहां से क्या किया मिट्टी को खुदाई किया इस तरीके से, यहां से मिट्टी को खुदाई करके हम लोग यहां तक लेके गए, इस तरीके से हमने क्या बना दी एक्सकावेट, ठीक है, इम्बैंकमेंट, इसे हम लोग बोलते हैं इम्बैंकमेंट, ये हो गया बोरोपेट, बोरोपेट मतलब जहां से मिट्टी को खोदा गया है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टेंस, इसको बोलते हैं लीड, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है स्टेंस इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे लिफ्ट,
ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट इज द वर्टिकल मूवमेंट होता है, और जो बोरा पेट है वो कितना होता है हमारे स्लीव जो है। जनरली हम लोग लिफ्ट का वैल्यू कितना लेके चलते हैं, 1.5 मीटर, और जो लीड होता है वो कितना होता है, 30 मीटर होता है। इसे हमें याद रखना रिजल्ट वाइज। द मेथड इन विच क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टॉप एंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कैलकुलेटेड एंड देन मीन ऑफ दीज टू इज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ सेक्शन टू गेट वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो स्ट्रेस इसमें पिछला हम लोग यूज करेंगे प्रिंस मॉडल, प्रिंस मॉडल फॉर्मूला मेथड्स को यूज किया जाएगा। मेथड इन विच, ये तो सेम ही क्वेश्चन दे दिया। इन केस ऑफ फॉर्मूला इट इज नेसेसरी टू हैव ऑड नंबर्स। देखिए ध्यान से, जो ऑड नंबर्स ऑफ द सेक्शन एरियाज है वो किसमें होगा हमारे पास, वो प्रिंस मॉडल फॉर्मूले में हम लोग यूज करते हैं। सिम्पसन्स के लिए जो सिम्पसन्स फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ, उसके लिए कंपल्सरी है कि जो ऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ऑर्डिनेट्स कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशन होता है द रेट ऑफ आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन, बताओ जो भी हमारे पास क्या है आइटम है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, प्रोपोर्शंस ऑफ द मोटर, इन सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ लीड इज द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बोरो पिट एंड द प्लेस ऑफ द स्प्रेडिंग सॉइल, बिल्कुल सही है। Incorrect पूछा था, lead is calculated for each block of the excavation area, the unit of lead is 50 meter for distance, the unit of lead is 1 kilometer where the lead exceed 2 kilometer, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर यही आएगा, डी गलत है इसमें, ठीक है। Volume of one bag कितना होता है, 0.0347 मतलब 0.03, ये कितना होता है, 5 होता है। जो फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए हम लोग कितना लेके चलते हैं, 1:4 लेकर के चलते हैं। The essential requirement of prepare good estimate, आपको पता है, आपको schedule of rates, detailed specifications, drawing, आपको सब कुछ चाहिए, ठीक है? In case of lead and lift, which one is the correct? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो lead होता है, वो horizontal distance होता है, ये दो गलत है, इसका C option आएगा। The capacity of doing work by a skill level in the form of work per day, इसको बोलते हैं out turn, T-U-R and turn work, task work, both A and B आएगा, ठीक है? The average distance between borrow pit and the place of keeping the soil, this is known as the lead. Distance, the normal lift, कितना लेके चलते हैं हम लोग? 1.5 normal lift लेके चलते हैं, और lead normal कितना होता है? 30 meter होता है. The water charges, बताओ कितना लेके चलते हैं water charges? 1/1/2%, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 1.5% of projected cost के बराबर लेके चलते हैं. तो इसका आंसर क्या आता है? A आता है. नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स, सभी को याद है कितना होता है, 10% होता है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैन बी ब्रॉडली हम लोग इसको जनरल ओवरहेड और जॉब ओवरहेड में कन्वर्ट करते हैं। द लेबर रेट बी एडवाइज टू प्रेफर, इसके अकॉर्डिंग होता है स्टेंस, DSR डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड वेट के अकॉर्डिंग होता है। द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है स्टेंस, 50 kg होता है। ये सभी पड़े हुए पॉइंट है। 1 m³ इज इक्वल टू, बताओ 1 क्विंटल में कितना होगा, आपको पता है 78.5 होगा, ठीक है, क्योंकि 7850 kg/m³ होता है, ठीक है, कितना होता है, 7850 kg/m³ है। तो बताओ अगर ये तो केजी में ना, क्विंटल का मतलब कितना होता है, 100 kg है, तो 100 से डिवाइड कर दो तो कितना देगा, 78.5 आ जाएगा, सिंपल सा है। द नंबर ऑफ बैग्स इन सीमेंट 1 m³, तो पता है स्ट्रेंथ कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। कैसे आएगा सर, ध्यान देखिए, 1 m³ को डिवाइड कर दो 0.0347 से, इसे डिवाइड करके देखिए या आपको 28 समथिंग आएगा, तो वहां से आंसर आपका अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 30 बैग्स आएगा। बताओ द प्रोपोर्शन ऑफ द कंक्रीट मिक्स M15 के लिए कितना रहता है, कि सर M10, देखिए M5, M7.5, M10, M15 और M20, इसके लिए कितना होता है, 1:5:10, इसका कितना होता है 1:4:8, 10 के लिए कितना होता है 1:3:6, 15 के लिए कितना होता है 1:2:4, इसके लिए कितना होता है 1:1.5:3, ये रेशियो है। तो 15 के लिए कौन सा सही स्ट्रेंथ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ M15 के लिए, तो M15 का और हम लोग यहां 25 का लिख रहे हैं, तो इसका रहता है 1:1:2 रहता है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन।
कौन सा आएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां तक सभी का आंसर सही है, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर दीजिए, ठीक है ना, सभी के आंसर सही आने चाहिए। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क, तो आप सभी को पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रिक सैंड सीमेंट ऑल ऑफ दीज होता है। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट प्रिपेयर ए एस्टीमेट, इसका डी आंसर आता है। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द एक्चुअल साइज, प्लीज रिमेंबर क्या पूछा है इन्होंने, एक्चुअल साइज तो क्या आएगा, 19x9x9, दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल साइज एंड दिस वन इज द नॉमिनल साइज। ये नॉमिनल साइज है, एक्चुअल साइज है। द ब्रिक फ्लैट सोलिंग इज मेजर्ड इन, किसमें आएगा स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर में। चलिए बाकी जितने भी हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा रखा है, यहां तक क्वेश्चन थे जो हमने नहीं किए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारे कंप्लीट हो गए हैं ऑलरेडी, जो इससे बाद वाले क्वेश्चन है वो सभी के मैंने आपको लिंक सेंड कर रखे हैं एस्टिमेशन के, वो तीन वीडियोज है, तीन वीडियोज, ये टोटल सिक्स वीडियोज है, तो सभी को पढ़ करके जाइए जबरदस्त। ओके, ऑब्जेक्टिव आपका बन गया। ओके बाय, टाटा।